ये गाड़ी मेरे पास आई है अपाचे TVS की 4V। इस गाड़ी को कस्टमर ने 3 से 4 जगह मैकेनिक के पास खुलवाया हुआ है, और जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने इसकी कंडीशन देखा। वैसे मेरा विचार बिल्कुल भी नहीं था इसकी वीडियो शूट करने का, पर जब मैंने इस गाड़ी की कंडीशन देखी तो भाई मैं हैरान रह गया। वैसे पर्सनली इस गाड़ी का इंजन यहाँ तक तो कस्टमर ने नहीं खुलवाया किसी मैकेनिक के पास एक देखा जाए तो, पर इससे पहले जो इसका हेड और सिलेंडर होता है इसके अंदर कस्टमर ने पिस्टन बोर भी करा रखा है, हेड के अंदर भी काम करा रखा है, टाइमिंग चेन भी चेंज करा रखी है, और भी ना जाने क्या क्या काम कराए हुए हैं। उस मैकेनिक ने इसके अंदर क्या क्या तिकड़म करी हुई है, क्या क्या नहीं करी हुई है, थोड़ा डिटेल में समझना बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। और हाँ, काफ़ी सारे मैकेनिकों से बचने की कोशिश करना कि ऐसी वो आपके साथ गाड़ी के साथ नौबत ना लेके आ पाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ इस साइड देखो कितना ज़्यादा ऑयल बह रखा है, उसके अलावा और तो और ये देखो यहाँ पर भी देखो इस साइड कितना ज़्यादा ऑयल है। देख रहे हो ये सारा ऑयल ही ऑयल बह रखा है यहाँ पर। देख रहे हो ये जितना भी ऑयल यहाँ पर बह रखा है ना, ये सारा का सारा ऑयल ये इस गाड़ी के हेड के अपर कवर से निकला है जब ये कस्टमर गाड़ी चला के मेरे पास लेके आया है। अब इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसका हेड सिलेंडर खोला है, वहाँ सामने इसका इंजन का सामान रखा, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखो ये रहा इसका पूरा कंप्लीट इंजन। जब मैंने इसके हेड सिलेंडर खोला मुझे बहुत हैरानी हुई। सबसे पहले तो इसकी जो है इसका जो हेड होता है ना, ये वाला जो हेड है, इस हेड के अंदर इतनी दिक्कत है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। मैं दिखाना चाहूँगा तो आओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये इसके अंदर देखो ये ना 4 बोल्ट होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ के जो 2 बोल्ट थे ना, उस मैकेनिक ने हथौड़े मार मार के स्लिप कर दिए बहुत बुरी तरीके से। उसके अलावा जब कोई बंदा अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर पिस्टन डालता है, ये जो पिस्टन है ये अगर नया डालता है, देखो पिस्टन नया डाला हुआ है, ऐसे देख रहे हो बिल्कुल एकदम नया पिस्टन डाल रखा है इसके अंदर, मैले कंपनी का पिस्टन डाला हुआ है इसके अंदर। मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बंदा अगर आपकी मोटरसाइकिल में पिस्टन को नया डाल रहा है तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो इस रबड़ को भी चेंज कर दे, ये जो रबड़ है इसको चेंज करते। पर उस बंदे ने इसके अंदर रबड़ नहीं डाली, जबकि कस्टमर से बोला भी गया था कस्टमर ने कि भाई इस गाड़ी के अंदर सही तरीके से इसको फिट करना और एकदम प्रॉपर वे में इसकी फिटिंग आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल काम करना। उस मैकेनिक ने इस रबड़ को नया नहीं डाला, क्यों नहीं डाला मुझे नहीं पता भाई, क्या दुश्मनी इस बंदे की, इस रबड़ को नहीं डाला, सोचो साइड करते हैं इसकी बात। उसके अलावा तो उस बंदे ने यहाँ की चूड़ी स्लिप कर दी, यहाँ की चूड़ी स्लिप कर दी चोट मार मार के, और यहाँ की चूड़ी स्लिप कर दी, 3 बोल्ट इसने बिल्कुल बहुत बुरी तरीके चूड़ी स्लिप कर दी इसकी। उसके अलावा जो इसके अंदर रॉकर होते हैं, वो हालत भाई साहब क्या हालत हुई इसकी, ये देखो ये रॉकर होते हैं, और ये रॉकर उस कस्टमर ने मतलब इस कस्टमर ये जो बाइक है जिसकी, इस कस्टमर ने बोला भाई रॉकर नए डाल दो गाड़ी में, इस मैकेनिक ने रॉकर नए डाले या नहीं डाले पता नहीं, पर इस रॉकरों की हालत देख के ऐसा लग रहा है ये रॉकर पुराने हैं। उस मैकेनिक ने गाड़ी में रॉकर नहीं डाले हैं, ये चीज़ मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ, देख के भी बड़ा अफसोस हुआ जब मेरे को कस्टमर ने ये बताया कि भाई मैंने तो रॉकर के पैसे दिए थे, रॉकर तो मेरे को नए डलवाने थे गाड़ी में, और उस मैकेनिक ने मेरे को बोला भी था कि भाई रॉकर मैंने नए डाल दिए हैं, पर इस कंडीशन को देखो आप खुद देखो क्या ये रॉकर नए डले हैं, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसको देखो इस रॉकर के अंदर हुआ क्या है, रॉकर ना बहुत बुरी तरीके से कट गए हैं, सीज मार गए हैं, ये जो रोलर होता है ना ये बहुत बुरी तरह ऐसे हिल रहा है, और यहाँ गड्ढे भी पड़ गए हैं रॉकर के अंदर। देखो ये मैं आपको थोड़ा बारीकी से दिखाता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ये देखो ये रॉकर की हालत देखो, ये बहुत बुरी तरीके से कटा पड़ा रॉकर, ये देख लो। अगर रॉकर इतना ज़्यादा कट जाता है आपकी गाड़ी में तो एक अपाचे 4V के बारे में बता रहा हूँ मैं। अपाचे 4V के अंदर होता क्या है, इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है, और उसके अलावा इंजन की आवाज़ तो ज़्यादा मात्रा में आती ही है, साथ में पावर खत्म हो जाएगी, पिकअप खत्म हो जाएगा, माइलेज का इशू बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस डी कंप्रेसर में ना, इस मतलब इस केम साफड़ में ना एक डी कंप्रेसर होता है, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा पड़ा है। केम साफड़ के दोनों बैरिंग बहुत बुरी तरीके से ख़राब हैं, उस बंदे ने बैरिंग तक को नया नहीं डाला। मतलब यार केम साफड़ के बैरिंग आता है कितने के हैं भाई, 84 पैसों के बैरिंग आते हैं। आप इसमें पिस्टन बोर कर रहे हो, ये जो पिस्टन है ये नया डाल रहे हो आप, 1000 रुपये का पिस्टन इसमें नया डाल रहे हो आप। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ यार, देखो अगर कोई इंजन का काम कर रहे हो ना आप, तो मैं आपको सलाह दूंगा पिस्टन बोर जब करा रहे हो आप या पिस्टन किट डलवा रहे हो आप, तो केम साफड़ के बैरिंग तो बंदे को कह दो यार, मतलब उससे मुंह से बोल दो कि भाई इसके अंदर बैरिंग नए डालने पड़ेंगे। और अगर कस्टमर हो ना आप, तो अगर आपकी गाड़ी लेके जा रहा हो मैकेनिक के पास, तो आप भी कुछ से उससे बोल सकते हो भाई तुम तो अपना पैसे से की टेंशन मत लेना, केम साफड़ के बैरिंग हो गए, रॉकर हो गए, ये सब चीज़ें आप ऐसे ही चेंज कर देना। उसके अलावा इसकी टाइमिंग चेन, इसके अंदर जो टाइमिंग चेन होता है ना टाइमिंग चेन, उसके अलावा जो टाइमिंग चेन के गाइड होते हैं ये दोनों गाइड भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, ये भी नए डलेंगे, हार्ड हो चुके हैं गाइड। उसके अलावा ये जो पैकिंग है लोकल डली हुई, तो लोकल पैकिंग जो चेंज होगी इसकी। उसके अलावा ये जो दूसरा रॉकर है ये भी चेंज होगा, इसका दूसरा रॉकर भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वैसे रॉकर दोनों ही खराब हो चुके हैं, दोनों चेंज होंगे, और इसमें ना 4 वाल होते हैं, ये 4ों वाल चेंज होंगे इसके प्रॉपर वे में। ये देखो ये 4 वाल होते हैं, इसके अंदर वाल बंदे ने ओरिजिनल डलवाए हुए हैं कस्टमर ने, और मैकेनिक ने भी ओरिजिनल डाले हुए हैं, बट यहाँ पर ये दोनों ही 4ों वाल जो है ख़राब हो चुके हैं। अब ये 4ों वाल खराब हो गए,
उसके अलावा ये होता है टाइमिंग चेन रजिस्टर, ये टाइमिंग चेन रजिस्टर से पुराना डला हुआ है, ये चेंज होगा इसके अंदर भी राइट नाउ। अभी हम राइट नाउ क्या क्या करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर थोड़ा डिटेल में बता लेता हूँ। सबसे पहले तो इसका इंजन खुलेगा, इसकी जो क्रैंक होती है बहुत बुरी तरीके से खड़की पड़ी है, इसकी क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड चेंज होगी, चैम्बर बैरिंग चेंज होंगे, क्लच की कंप्लीट असेंबली चेंज होगी, टाइमिंग चेन चेंज होगी, इसकी टाइमिंग चेन गाइड चेंज होंगे, टाइमिंग चेन का टेस्टनर चेंज होगा, पिस्टन की कंप्लीट, ये जो पूरी कंप्लीट ब्लॉकेट है ये चेंज होगी, पूरी कंप्लीट ब्लॉकेट चेंज होगी इसकी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो हेड है इसकी हेड की चूड़ियाँ बनेंगी, हेड की अपर कवर की रबड़ चेंज होगी, जितने भी बड़ी इसमें जो बोर्ड पीट पीट के लगाए हुए थे वो सारे चेंज होंगे इसके अंदर। उसके अलावा ये जो इसके अंदर ये है, ये जो रबड़ है ये चेंज होगी, ओरिजिनल डलेगी और ज़्यादा महंगी नहीं आती, 150-200 रुपये की रबड़ आती है, इसे चेंज करा लिया करो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। और उसके अलावा चारों वाल्व चेंज होंगे इसके, वो पूरा कंप्लीट काम होने के बाद ये गाड़ी एकदम मक्खन वाली फील देगी। हाँ, इसके मैंने इंजन की कंप्लीट वीडियो फिटिंग की अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। मैं कमेंट बॉक्स में इसकी यूट्यूब चैनल पर, मतलब जो भी यूट्यूब की मैंने वीडियो डाल रखी है इंजन फिटिंग की, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक को, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो को देख सकते हो कि इंजन कैसे फिट किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से इंजन को लॉन्ग वे में चला सके, ऐसा कौन सी सेटिंग इंजन में करी जाती है, ये पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके समझ सकते हो। और हाँ, आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है और आप अपनी वर्कशॉप मेरी वर्कशॉप पर आना चाहते हो, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, डिटेल पूरी आपको फोन जब करोगे, कॉल जब करोगे तो मिल जाएगी। फोन जब आपको करना है 10 बजे के बाद शाम को 6 बजे से पहले, मंगलवार को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है। और हाँ, आप मेरी वर्कशॉप का एड्रेस कंप्लीट डिटेल में ले सकते हो डिस्क्रिप्शन से, मैंने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल डाल रखी है। बाकी मैं इस गाड़ी को पूरा ओके करता हूँ और फीडबैक वीडियो के साथ मिलता हूँ।